मानसा जिले में आम आदमी पार्टी के नेता व उसके बेटे पर झूठा पर्चा दर्ज करवाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के कहने पर गांव के सरपंच ने दर्ज करवाया है। अगर ये केस कैंसिल नहीं करवाया गया तो तीखा संघर्ष पंजाब सरकार के खिलाफ किया जाएगा। ये बातें कही आम आदमी पार्टी के नेता हेमंत सिंह शेरगिल ने बठिंडा प्रेस क्लब में संबोधन करते हुए। हेमंत सिंह शेरगिल ने कहा कि फौजी जीवन सिंह हमारे मानसा का सबसे मेहनती और पुराना वॉलंटियर है, जिसे तीन विधानसभा क्षेत्रों का इंचार्ज लगाया गया है। इसके मनोबल को तोड़ने के लिए काली सरपंच ने इसके नाबालिग बेटे पर स्कूल में मैडम की बाजू पकड़ने का पर्चा दर्ज करवा दिया, मगर पर्चा सरपंच के बयान पर दर्ज हुआ है। सर बिल्कुल झूठा पर्चा। हरसिमरत कौर बादल दे कहते लीडर ने इतने जीवन सिंह फौजी दे इन्हां दा जिहड़ा माइनर बेटा जिहड़ा 10वीं क्लास पढ़ता है, बिल्कुल झूठा पर्चा। तुसीं देखो कि पंचायत ने कंप्लेंट की है, स्कूल वालों भी कोई कंप्लेंट नहीं। सो क्योंकि एक बहुत साढ़े इतने एक्टिव वॉलंटियर से, इन्होंने कारगिल च भी हिस्सा लिया, उस लड़ाई भी इन्होंने जिहड़ा बॉम्बे अटैक होया सी टेरिस का उहदे च भी हिस्सा लिया, सियाचिन च जाके काम किया। सो एक जिहड़े फौजी एक्स फौजी साडी पार्टी च इन्नी मेहनत कर रहे सीगे, जिहड़े साडे मानसा जिले के प्रधान भी रहे आ, कन्वीनर भी रहे आ, उन्हां दे बेटे दे खिलाफ एक माइनर सन दे खिलाफ एक झूठा पर्चा, जिहड़ा कि अखबारां च ही बयान आए आ, कि प्रिंसीपल दे भी बयान आए आ, टीचर दे भी बयान आए आ, बिल्कुल झूठा पर्चा। एक वेंडेटा की कार्रवाई, एक इस तरह की कार्रवाई कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स नूं लीडर्स नूं उन्हां दा मनोबल तोड़न वास्ते एक झूठे पर्चे ये कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर एक वॉलंटियर दे नाल, हर एक अपने सपोर्टर दे नाल, हर एक मेंबर ऑफ द पब्लिक, हर एक सिटीजन दे नाल जिहदे नाल ये धक्का कर रहे हैं उन्हां नाल खड़े आ। बठिंडा से अजाट टीवी न्यूज के लिए कुणाल बांसल की रिपोर्ट।